लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग बेबी। उठ गया ना बेबी? तुमको लेट तक सोने का गंदा आदत हो गया अभी। हाँ बेबी, मैं अंदर आ रहा हूं। अभी तुम्हारा मम्मी आएगा, हमको चार बात सुनाएगा हमेशा। अरे फोरेंसिक भेटल काय? अरे फोरेंसिक काय भेटल का? लवकर बघा। अहो काहीतरी तर बोला ना। किती उठला? इतका साल करणार कसं आम्हाला? 2 साल से तू मैं ऐसी बिल्डिंग। सचिन 10 बजे रात को आता हूं। व्हाट्स गोइंग ऑन? किसको देखा ये रूम में आते हुए? व्हाट्स गोइंग ऑन?
क्या हुआ? टेल मी व्हाट्स हैपेंड. व्हाट्स हैपेंड? रुकिए मैडम, अलाउड नहीं है मैडम. अरे ओ भाई, ओ चला उठा उठा चला, ए बाहर घेऊन जा. अरे घेऊन जा तसली. ओ मैडम, पंचनामा चल रहा है. ए चल चल बाहर घेऊन जा. लवकर चला का फिरू लगी चला मैडम, बाहेर चला. ओ चला भाई चला, काय करताय? हाती देखो हाती, वी गॉट टू बी स्ट्रॉंग. ओके, वी गॉट टू बी स्ट्रॉंग. ए फोटो. हो साहेब. राइट हाताचा फोटो घे, मोठा झूम कर. हे स्टँड दिसतो का तुला? हो. दबंग. हा साहेब. चिमटी दे. डेड बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? अरे किसने देखा, पूछ रहा कुछ मैं? मैं नाम रमी फर्नांडिस. विक्टिम से रिलेशन क्या है? रमी 30 सालों से हमारी फैमिली के साथ है. शी इज फैमिली. अरे बाबा, तुमको बोलने का चांस मिलेगा. हाँ हाँ बोलो मैडम, बोलो बोलो. मैं ये घर में काम करती, सर का हॉस्पिटल में सिस्टर का काम भी करती. आयशा में भी छोटा था तभी उसके आया का काम करती थी. डेड बॉडी को तुमने कितने बजे देखा? कितने बजे? 6:30. उस समय घर पे कौन कौन था? मैं था, सर था, वो आयशा, बेबी चेतन. नहीं चेतन नहीं था. ये चेतन कौन? वो भी इधर को काम करता है. ये चेतन नहीं किया है, उसको ढूंढो प्लीज, फॉर गॉड सेक लुक फॉर हिम. अरे तुमको बोला ना, तुमको बोलने का चांस मिलेगा. सब मधे मधे शिरू लगा, हमसा माला काम करो दिया, समझ लगा? ए गपचुप बसा, बसा खाली. हाँ मैडम, ये चेतन इस घर में कब से काम कर रहे हैं? बोलना. I don't know. मेरे किधर वाला 2-3 months होएगा. अभी किधर है? मालूम नहीं, सुबह से नहीं है. मतलब डेड बॉडी मिलने के बाद वो घर में दिखाई नहीं दिया, बराबर? नहीं है. आखिरी बार कब देखा था उसे? कितने बजे? नाइट टाइम. टाइम 11-11 बजे. किधर सर्वन क्वार्टर? मंजे फरार. काय भेटलं करे? काय नाही. ये चेतन के कमरे में कोई सामान वामान था क्या? बहुत था सर, सब था. कपड़ा, मिरर, कॉम, टूथब्रश, उसका कॉर्ड था, होली बुक्स था, सब था. अत काहीच नाही, सब गायब है. माय गॉड. अरे डॉक्टर, ये चेतन का कोई फोटो आईडी वाईडी है क्या? चेतन चुनीलाल तिवारी, ये किसके रेफरेंस से रखा था सु घर पे? हा? सुधाकर मिश्रा. कौन है ये? कई सालों से हमारे क्लिनिक में ये टिफिन लाता था. वो लाया था इसे, कहा था साला है उसका. साला. पेन दे रहे दबंग.
ये पेन किसका है? कुछ पूछा मैंने? ये पेन किसका है? क्या? मेरी बेटी का। अरे क्या डॉक्टर साहब, तुमको क्या लगता है मैं अभी भी सातार से आया क्या? अरे कॉलेज स्टूडेंट ऐसा 10-15 हज़ार का महंगा पेन यूज करते क्या? चेतन को ढूंढो, उसने किया है फोन, कहीं और भाग चला जाएगा तो घर पकड़ेगा उसको। काय कुछ चिल्लाता है पुलिस के सामने? सबको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जन की तरह पूना गई थी एक सर्जरी के लिए। आज सुबह 10:30 बजे घर वापस आई तो जाओ मैडम, जाओ। हाँ बोलो डॉक्टर। कल रात मैं होटल मेरिडियन में था, मडहेलन में। 11 बजे तक वहीं पर था। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। मैंने बहुत पी रखी थी इसलिए घर जाते ही मैं सो गया। सुबह रेमी नहीं उठता। वो क्या ना डॉक्टर, हमारी मराठी में एक म्हण है, कहावत, कि मी ना त्यातली अन कड़ी लाओ आतली। मालूम सब है लेकिन बताने का नहीं। अभी कैसे पटापट पोपट के तेरा बोल रहा है? अरे दबंग इकड़े, प्लीज उसके किलर को पकड़ो। साला डॉक्टर मेडिकल लगे उन जायला। तिकड़े साला तिकड़े। हे पाटील, हा डॉक्टरच मेडिकल ऐकलं कधी? हा बोल ना। अरे टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बोल। साहब साहब मैं बिल्डिंग के मेन गेट पर था, ड्यूटी पर। एक बात बता, 10 बजे के बाद किस किस को उस घर पे आते देखा तू? हाँ बोला ना, टाइम नहीं मेरे पास, बोल। साहब वो बाजू वाला बंगलों में वो हीरो सरीखा लड़का रहता ना। क्या नाम? रियाज नूरानी। रियाज नूरानी बरोबर जी। आगे बोल। साहब रियाज करीब 11 बजे के आसपास वो आया था। साहब चल आगे बोल। साहब उसके एक घंटे के बाद डॉक्टर सचिन महाजन अपने घर पर आए। कितने बजे? बारह के करीब। 12 बजे जी। चल बड़ा बोल। डॉक्टर साहब के आने के करीब 10-15 मिनट बाद रियाज बिल्डिंग से उतर के चला गया। अब इस बीच बता कि तूने उस घर से कोई चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनी, जैसे कोई मारपीट चल रही अंदर? नहीं सर। अरे बोलना कि दियो रखे दियो क्या? साहब रियाज नूरानी बिल्डिंग के नीचे उतरा था तो उसके बाजू पे पट्टी बंधा था, खून बह रहा था, बहुत गुस्से में था साहब। चल जा जा। रात को 11 बजे निकला था रियाज ये कहकर कि दोस्त से मिलने जा रहा हूँ और अब तक वापस नहीं आया। फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर पूरी पूरी रात गायब रहता है हमारा साहबजादा, वो भी सेल फोन ऑफ करके, क्या करें। ये रियाज और आयशा महाजन का क्या रिलेशन था? अरे कुछ पूछा तुमसे? कौन आयशा? डॉक्टर सचिन महाजन, डॉक्टर आती महाजन की बेटी, सामने वाली बिल्डिंग से। हमारी रियाज की तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं। अब किस किस पर नजर रखते फिरेंगे हम? वो क्या है ना, उस लड़की का मर्डर हो गया है और तुम्हारा बेटा रियाज मर्डर के समय उसके बेडरूम में था। अल्लाह। आता हसी गुल हा? चल रहा था बंग।
छाती पर स्क्रैच मार्क्स हैं, सर के पीछे लंप है और ब्लड टेस्ट के लिए भेजा गया है। अरे चेतन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? पुलिस को अपना काम तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। ए चड्डी। हाँ साहब। सुधाकर मिश्रा कौन है? ये है साहब। हाँ जी। सुधाकर मिश्रा जी, केटरिंग का धंधा है तेरा? हाँ जी। हैं? आप दिखता नहीं क्या? कौन है? चेतन तिवारी कौन तेरा? वो साला है जी। किधर है वो? अरे बताना किधर है। आखिर बात क्या है साहब? बात हमारे साथ चल, बताते क्या बात है। ए दबंग के तेरा, ए पाटिल बक्कर के, चल चल चल, मैंने क्या किया? चल हट का, काले जा, चल। चेतन कहाँ है? हैं चेतन कहाँ है? बोल बोल चेतन किधर है? अरे डोकर फिर उनको मज़े, थर्ड डिग्री यूज करेगा ना, कमर के नीचे मारेगा तो उठ नहीं पाएगा तू। बता चेतन किधर है? दो दिन हो गए साहब, उसका चेहरा भी नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा? सच कह रहे हैं। ये कार दुखा लग ले। अरे दबंग इकड़े। हाँ साहब। अरे बिहारी बाबू है चेतन व तिवारी। अरे लो करिए साहब। अरे ओके घर का पता दिया ओके जीजा जी ने। तुम्हारा क्या वक्त है? पटना पुलिस स्टेशन में ईमेल भेजो, जाओ ताबड़तोब। सर इस चेतन तिवारी का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अरे लाख बार समझाया सोसाइटी वालों को कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नौकर को घर पे मत रखो, लेकिन सुनता कौन है? आता का है साहब। आता चने का मालोदी साहब, ऑटोप्सी के हिसाब से डेथ रात 12:30 बजे के आसपास हुई है। विक्टिम के आर्म्स और शोल्डर्स पे स्क्रैचेस हैं। डेथ के पहले एक स्ट्रगल हुआ था। मंजे रेप? नहीं, लेकिन कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं। पढ़ ले। I'll take this. हम लोग निकल रहे हैं, बस वही 1-1.5 घंटे। हाँ जैसे ही क्रॉस करते हैं मैं आपको फोन करती हूँ। ओह हाय, रियली सॉरी टू हियर दैट। हाय, पर उसकी मर्जी के सामने हम क्या कर सकते हैं? आपको फोन करती हूँ। दैट्स ट्रू। अच्छा रखती हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? चलो ठीक। पुलिस ने हमारा फ्लैट सील कर दिया है सो अरे तो मेरा घर है ना, कुछ दिन मेरे साथ रह लो। थैंक्स यार, पर हम लोग आरती के घर वालों के साथ जाके रहेंगे। I'm really sorry about what's happened. देखिए ऐसी कोई formality नहीं है। Absolutely. Anyway, you take care. Hey, thanks. Thank you. कोई भी जरूरत हो तो मुझे फोन करना। Definitely बताओ। Just let me know if there's anything we can do to help. Take care. You take care, आरती। Thank you. See you. Bye. अरे पंडित जी 2 मिनट थांबा, आम्हाला आमचं काम करू द्या। डॉक्टर सचिन महाजन, तुमको पुलिस का स्टडी में ले रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी बेटी आयशा महाजन के मर्डर केस में तुम प्राइम सस्पेक्ट है। अरे हमको कुछ नहीं बोलने का मैडम, जो बोलने का कोर्ट में बोलने का। ये दबंग यूटर। अरे नौकर एक यूटर था ना। I think you just call up Anand. Just call up Anand. रुकिए।
प्रोसिक्यूशन का अगला स्टैंड ये है योर ऑनर कि इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सचिन महाजन के ब्लड में काफी मात्रा में अल्कोहल मिला। विक्टिम की बॉडी के पास ये एक पेन मिला जिस पर डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं और इन्हीं की क्लिनिक से पता चला कि इस तरह का पेन डॉक्टर सचिन अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। इन्हीं की सोसाइटी के कॉमन गार्बेज से एक शर्ट मिली है, ये शर्ट जिस पर खून के धब्बे हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस शर्ट पे जो खून के धब्बे हैं वो विक्टिम आयशा महाजन के नहीं है। यस यू आर राइट सर, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ये साबित करती हैं कि इस शर्ट पर जो खून के धब्बे हैं वो एक जवान आदमी के हैं और पुलिस के मुताबिक वो जवान आदमी है रियाज नूरानी जो कत्ल की रात से लेकर आज तक लापता है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर सचिन महाजन की बॉडी पर जो खरोंचों के निशान मिले वो आयशा महाजन के नाखूनों से हुए और आयशा महाजन की बॉडी पर जो स्क्रैचेस मिले वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखूनों से हुए। विक्टिम आयशा महाजन के दाएं हाथ की उंगली के बीच ये एक हेयर स्ट्रैंड मिला और डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि ये हेयर स्ट्रैंड डॉक्टर सचिन महाजन के सर का बाल है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि आयशा एक महीने से प्रेग्नेंट थी। सर, ये केस एकदम शीशे की तरह साफ है। उस दिन डॉक्टर सचिन रात 12 बजे नशे की हालत में अपने घर पहुंचे। वहां इन्होंने रियाज नूरानी एक मुस्लिम लड़के को अपनी इकलौती जवान बेटी के साथ देखा। इन्हें गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर इन्होंने रियाज पर हमला किया और हमले से घायल रियाज वहां से भाग निकला। लेकिन आयशा डॉक्टर सचिन महाजन के गुस्से का शिकार होकर मार दिया। फिर इन्होंने एविडेंस को मिटाने के लिए अपनी शर्ट को डिस्पोज करने की कोशिश की और आखिर में अपने घर के नौकर चेतन तिवारी को लाखों रुपए का लालच देकर घर से भगा दिया ताकि कल को कोई शक आए तो नाम चेतन तिवारी का आए। नेक्स्ट विटनेस प्लीज, इंस्पेक्टर रामचरण पांडे, पटना पुलिस। सर जी, पूरा पटना छान मार लिया है हमारी डिपार्टमेंट ने, पर चेतन तिवारिया का कोनो पता नहीं चल रहा है सर जी। और सर जी, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव गैंग से सर उसका कनेक्शन है और ये बात तो बिल्कुल पक्की है सर जी कि पैसा वैसा लेके कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। ये जो है 100% में 100% सही है सर जी। हाँ, उस रात को क्या हुआ था मुझे मुझे ज्यादा याद नहीं। मैंने कुछ ज्यादा पी रखी थी और जब मैं रात को ज्यादा पीता हूं तो अगली सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता। बट आयशा वाज हर ओनली चाइल्ड, शी वाज माय चाइल्ड, तेरी आयशा। देयर इज सम मिस्टेक्स, देयर इज सम, आई डिडंट किल हर, शी वाज माय डॉक्टर सचिन महाजन इज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी टिल द डिफेंस काउंसिल सबमिट्स द डिफेंस स्टेटमेंट। बताइए हमें कि आपने केस इतनी तेजी से कैसे सॉल्व कर लिया। अरे मैडम, काम है हमारा, ड्यूटी है, करना पड़ेगा ना। सर सर सर, क्या आपको लगता है चेतन तिवारी पकड़ा जाएगा? अरे ऐसा कैसे नहीं पकड़ा जाएगा, तुम लोगों को क्या लगता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर चने खाती है क्या? आयशा वाज एवरीथिंग यार, हम लोग कुछ और वक्त उसके साथ बिता सकते थे। ज़्यादा पी लेता हूँ तो अगले रोज सुबह कुछ याद नहीं रहता मुझे। उस रात को भी क्या आरती, इवन
I don't believe this. स्मिता दाई, इस फैमिली की प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी जवान बेटी भी नहीं रही और इनके हस्बैंड को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। केस बहुत ही जल्दबाजी में पुलिस ने निपटा दिया है, जो सामने दिख गया उसको अंदर कर दिया और सारे एविडेंस को ठीक तरीके से एग्जामिन भी नहीं किया है। ये हमारी महिला एकता संघ की तरफ से आपको अपील है मैम, प्लीज इस लेडी को न्याय दिलाइए। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। पारस्कर, सुनील पारस्कर, सीबीआई। अखरोट खाओगे? दिमाग के लिए अच्छा है। चलो कोई बात नहीं। ये तुम्हारा फाइल मुंबई पुलिस के टेबल से उड़ के सीबीआई के टेबल पे पहुंच गया, मतलब वही आसमान से गिरा खजूर में अटका। हंसी नहीं आई ना? कोई बात नहीं, मेरे जोक्स पे सिर्फ एक इंसान को हंसी आती है, मुझे। तुम्हारा फाइल मैंने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा। वैसे पोस्टमार्टम में ये भी लिखा है कि जो कट था ना गर्दन पे आयशा के, वो एक सिंगल स्टडी कट था, एक इकलौता कट, नीट एंड क्लीन स्लाइस, 2 इंच मांस के अंदर से निकलता हुआ थ्रू टिश्यू मसल एंड फ्लैश। डोंट डू दिस, प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। डॉक्टर महाजन, फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो पिए हुए थे ना, नशे में थे कि नहीं? Yes. हाँ, तो फिर नीट एंड क्लीन कट तो तुम्हारे हाथों से हो ही नहीं सकता। Exactly. तो फिर मुंह खोलो, बोलो एग्जैक्टली क्या हुआ। You have to believe me. मुझे कुछ याद नहीं, अगर मुझे याद हो तो। याद दिलाने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, जैसे अखरोट। I didn't kill my daughter. मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, मेरी बेटी है। सचिन महाजन, तुम जो दिखते हो वो तुम हो नहीं, जो तुम हो वो दिखते नहीं। कपड़े उतारने पड़ेंगे तुम्हारे। अरे मुझे मार के क्या मिलेगा तुमको? All the bloody proof is against me. I didn't kill my daughter. Damn it! त्या एस्टेट एजंटचा फोन आला होता, बात तो की नहीं होगी। तो अशोक कांबळे काय झालं त्याला? तुम्हारा जूनियर ऑफिसर है वो, फोर्स में भी तुम्हारे बाद भर्ती हुआ था, फिर भी अपना खुद का फ्लैट खरीद लिया है उसने। हाँ मालूम है। तो तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद डिपार्टमेंट ने जो क्वार्टर दिया ना, वो नहीं रहेगा हमारे पास, फिर कहाँ रहेंगे हम? कुछ सोचा है? हाँ रोज सोचता हूँ। बस सोचते ही रहोगे। अच्छा, फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं है, 2-3 करोड़ के नीचे कोई एजेंट बात ही नहीं करता। हाय, वैसे भी बड़े बड़े लोग नहीं खरीद पाते, हम लोग क्या खरीदेंगे? तो अशोक कमले ने कैसे खरीद लिया वो पता नहीं, पता चल जाएगा जब डिपार्टमेंट की रेट पड़ जाएगी उसके घर पे। एक्सक्यूज मी, पहा बेटा ला ले। हाँ आ रहा हूँ। या ए स्वप्न पड़ाला भक्त, तू पण पड़ 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 पड़। हाँ भाई। सर हम ICICI बैंक से हैं। हाँ तो वो आपने 3 महीने से कार का EMI नहीं भरा है, वो अगले महीने पक्का।
हाँ प्रवेश, डॉक्टर महाजन के घर री एग्जामिनेशन के लिए तैयार। आइए सर। घर कैसा लगा प्रवेश? सॉलिड है सर। लड़की का रूम कहाँ है? सर ऊपर है। और बाप का? सर वो भी ऊपर है। चलो चलो। सर क्या हुआ सर? ये तो गिरा हो गया। ये दुपट्टा देख सर, फाड़ा हुआ लगता है। ये तो हाथ से फाड़ा हुआ। ड्रॉस चेक कर। लेकर सर किसी ने कुछ धोया है यहाँ पर, खून के दाग है। सर स्वाब ले ले इसका। नहीं ट्रेस बहुत कम है, स्वाब नहीं ले पाया। सर ये सचिन का बेडरूम है ये। हाँ सर ये रियाज का खून है। तेरे को कैसे मालूम? सर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बोला था कोर्ट में। रिपोर्ट में तो लिखा था यंग मेल। रियाज का ब्लड सैंपल है इनके पास? नहीं सर। तो फिर आयशा के मर्डर के बाद, रियाज पे अटैक करने के बाद वही खून वाला शर्ट पहन के डॉक्टर सचिन महाजन यहाँ बेड पे सोएगा क्या? नॉट पॉसिबल सर। लेकिन वो तो नशे में था। एनीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है नॉट पॉसिबल क्या है? पता नहीं सर। अखरोट है? है सर। खाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है। परवेज आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर सुनाई दे रही है, बोलिए ना। हाँ सर बोलिए। क्या बोलूँ सर? आप कुछ बोल रहे थे अंदर से? नहीं तो, तेरे कान बज रहे हैं क्या? डोर बंद कर।
नाराज है मुझसे? क्यों सर, नहीं तो नहीं, सवेरे से टांग खींच रहा हूं तेरी। अरे नहीं नहीं सर। और खींचू? इसको फॉरेंसिक्स भेज। जी। नाइफ के हैंडल पे डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं और विक्टिम आयशा महाजन के फिंगरप्रिंट्स भी। सर इसका मतलब दोनों के बीच स्ट्रगल हुआ था? सर्जिकल नाइफ पे खून के धब्बे हैं? नहीं, हैंडल पे फिंगरप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हैंडल पकड़ के धोया गया है? हो सकता है। सही बताओ, सर्जिकल नाइफ से वैसा कट पॉसिबल है जो आयशा के गले पे पाया गया था? पॉसिबल है सर। ओके। नहा धोके फ्रेश हो गए छोटेलाल? हाँ ओके जी साहब, वो आँख लग गई थी साहब। रोज 1:30 बजे आँख लग जाती तुम्हारी, 5 बजे तक खराटे लेते हो तुम। साहब वो दिन में दूसरी जगह नौकरी करता हूँ साहब, थकान की वजह से नींद आ गई थी। ड्यूटी पे कब आते हो? 10 बजे रात को साहब। 10 से लेकर 1:30 बजे तक क्या करते हो? ड्यूटी पर रहता हूँ साहब। अच्छा, टॉयलेट नहीं जाते हो? अबे टॉयलेट जाना गुनाह नहीं है, जाते हो कि नहीं? मतलब टॉयलेट जाने में 3 मिनट, आने में 3 मिनट, कितना टाइम लगता है टॉयलेट के अंदर? सर 2-2.5 मिनट लगते हैं साहब बस। और फिर बीड़ी पीते हो है ना? नहीं नहीं साहब। ये क्या है बे, अगरबत्ती पीता हूँ साहब? पीते हो ना जी। बिल्डिंग का स्टाफ टॉयलेट भरा हुआ था छोटेलाल की अगरबत्तियों से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 28 अगस्त की रात को डॉक्टर सचिन और रियाज के अलावा अगर कोई यहाँ से इस बिल्डिंग में घुसा तुमने देखा नहीं होगा है ना, आते हुए जाते हुए। जी। ये सब कोर्ट में बोलना होगा ठीक है? I'm so terribly sorry. आपको इंतजार करना पड़ा डॉक्टर हंसल, वो एक डेलिकेट सी सर्जरी आ गई थी इसलिए थोड़ा वक्त ज्यादा। हां हार्ट सर्जन टाइम तो लगेगा। You guessed it right. और वैसे भी दिल का मामला डेलिकेट ही होता है। I just hope के आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत ना पड़े। नहीं नहीं दिल बिल्कुल ठीक है, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता। कंप्लीटली अंडरस्टैंड, कभी कभी मेरे पेशेंट्स का भी दिमाग खराब हो जाता है। आफ्टर द हियर माय रेट्स। वो तो लाइफस्टाइल से दिख रहा है। शर्मिंदा कर रहे हैं आप। बस दो वक्त की रोटी और सर के ऊपर एक छत। क्या लेंगे? सचिन महाजन का फ्लैट यही है ना? आयशा के बेडरूम की खिड़की यहां से दिखती है, अगर पर्दे खुले हो तो साफ दिखाई देगा कौन अंदर जा रहा कौन बाहर निकल रहा है ना? आ वृंदा, शायद आप मिले नहीं। That's my wife, Brinda. And Brinda, this is... Paraskar. How do you do? Sunil Paraskar, CBI. I'll see you later. आपको कहीं देखा है मैंने टीवी पे? ये... Yes. Actress or model रह चुकी हैं. But that was before she met me. Isn't that right, sweetheart? Yeah. Why don't you sit down? Doctor, Sachin के साथ कैसा relation है आपका? Doctor? करीबी दोस्तों में से एक हैं. In fact, he's close to me. और आपका मिसेस ब्रिंदा? I hardly know him. To me, he's, you could say, an acquaintance. Oh. तो ये सचिन महाजन के कॉल रिकॉर्ड्स, 45 बार आपने फोन किया डॉक्टर सचिन को 2 महीनों में? We are good friends. और आपको इनकी फ्रेंडशिप के बारे में खबर थी डॉक्टर? डॉक्टर आंसर? नो नॉट रियली। झूठ बोलने में तो आप अपनी बीवी के भी बाप। मिस्टर परस्कर, आई मस्ट आस्क यू टू लीव नाउ। मैं यहाँ सोशल विजिट पे नहीं आया हूँ।
Hansel, I'll see you later. Sit down. Madam, khali basa. Basa mantla na? Basa khali. अट्ठाईस अगस्त की शाम को मिसेस ब्रिंदा आपने सचिन महाजन को कॉल किया, उनसे बात हुई, उसके बाद आपने होटल मेरिडियन का नंबर डायल किया। आज सुबह मैं गया था होटल मेरिडियन, ब्रिंदा छाबे 28 अगस्त को आखिरी बार इन्होंने रूम बुक किया था यहाँ पे। उनके साथ आई थी? नहीं सर, ये उनके साथ नहीं आए थे। ये जेंटलमैन तो आप ही की तरह यहाँ आए थे उस लेडी के बारे में इंक्वायरी करते हुए। डू यू हैव अ बुकिंग इन द नेम ऑफ ब्रिंदा छाबरिया? ब्रिंदा छाबरिया? ब्रिंदा बिल्कुल अकेले आई थी, कोई साथ में नहीं था? नहीं सर, एक्चुअली उसके थोड़ी देर बाद एक और जेंटलमैन यहाँ पहुँचे थे जो कई बार इस लेडी के साथ यहाँ आया करते हैं। ये? जी सर, यही थे। तो इन दोनों आदमियों के बीच क्या बातचीत हुई? No sir, I just don't think इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई। इतने श्योर कैसे? इतने डिटेल में तुम सब बातें जानते हो? सर, बिकॉज उस दिन लॉबी में इस जेंटलमैन की एक लड़के के साथ मारामारी हो गई थी और हम सारे होटल स्टाफ को दौड़कर जाना पड़ा उन्हें रोकने के लिए। तुम्हारे पास ये रिजर्वेशन की लिस्ट होगी उस दिन की? उस दिन आए थे मिस्टर विजय शर्मा, मिस्टर प्रदीप सिंह चौहान, मिस्टर रियाज नूरानी। रियाज नूरानी किसके साथ आए? एक टीनेजर लड़की के साथ में आए थे सर। ये? यस सर, यही थी। गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? आई वॉन्ट अ रूम। और सर, उसी टाइम ये जेंटलमैन वहाँ लॉबी में लिफ्ट का वेट कर रहे थे और आशा मुझे तेरे साइकिलिंग शॉर्ट्स बिल्कुल पसंद है। डैड, what's happening? What's up? What? Dad? What the hell are you doing with this guy? Didn't I tell you this? What? You just move away. You go. Dad! I told you never to. Riyaz! Riyaz, please. You hit me? Please, Riyaz. Dad, please, come please, back. I'm sorry, you hit Dad. Me? Leave. You... Stop it. Riyaz! Please, stop. Dad, stop it. एंड उसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले गए सर, और फिर वो दूसरे जेंटलमैन भी चुपचाप निकल गए। मिस्टर परस्कर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, अगर आप इसे पब्लिक के सामने ना लाएं तो हम आपका अच्छा ख्याल रख सकते हैं। क्यों? ये डॉक्टर सचिन महाजन की कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप मुझे घूस देने की बात कर रहे थे? नहीं, मैंने कब नहीं, अभी आपने कहा ना ख्याल रखूंगा। वरे नहीं, मैंने कब कहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। मैं आई वाज ट्राइंग टू से दैट ओ मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो रात के 11 बजे आपने बात की थी फोन पे सचिन महाजन के साथ। हाँ, तो वो अच्छा दोस्त है मेरा, कई बार कॉल करता हूँ उसे। What's wrong in it? ये बात भी सही है। अच्छी दोस्ती निभाई है सचिन ने, है ना मिस ब्रिंदा? You have no right to insult me. आयशा को ड्रॉप करने के बाद सचिन महाजन फिर से होटल मेरिडियन चले गए क्योंकि ब्रिंदा वहां उनके लिए वेट कर रही थी। यू आर नेवर एवर गोइंग टू मीट दैट बॉय अगेन। इज दैट वेरी क्लियर? हाय। Hey, it's been 2 hours. Know, you didn't even bother to call me. But you At won't least believe no what message, happened. Nothing. Really sorry. और फिर रात के 11 बजे रियाज नूरानी सचिन महाजन के फ्लैट में पहुंचे आयशा महाजन से मिलने। I don't want to listen to you, okay? आयशा मेरी बात तो सुनिए। He's my dad. तुम उन्हें कैसे मार सकते थे यार रियाज? आयशा, मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ। No. समझ रही तू?
और हो सकता है कि उस वक्त आपने रियाज को यहां से देखा हो आयशा के बेडरूम में घुसते हुए। बस आपको मौका मिल गया अपने दोस्त से बदला लेने का। हेलो हेलो सचिन तू इस वक्त कहाँ है? मैं एक पेशेंट के साथ हूं। बोल। वो जो मुस्लिम लड़का है ना नूरानी वो इस वक्त आयशा के साथ उसके कमरे में है। क्या? मैंने खुद देखा उसे। What shit are you talking about, huh? What? Listen, I'm just coming back. I need to go. What happened? What happened? I'll be back, Brinda. That's enough, Mr. Paraskar. कहना क्या चाह रहे हैं आप? साबित क्या करना चाह रहे हैं? साबित तो कोर्ट में करेंगे, डॉक्टर हंस। तो परवेश। हाँ सर। हंसल या वृंदा? दोनों की बैंड बजा दी सर आपने। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। मोटिव किसके पास? दोनों के पास हो सकता है सर। हंसल सचिन से बदला लेना चाहता होगा या वृंदा सचिन से शादी करना चाहती होगी। आयशा की वजह से नहीं कर पा रही होगी शायद। तो इस काम के लिए दोनों में से किसी एक ने पैसे दिए होंगे, या तो चेतन तिवारी को दिए होंगे या फिर रेमी को। आयशा का मां से ज्यादा तो मैं टाइम बिताया उसका साथ। डॉक्टर आरती रहता किधर है घर पे? तेरी खोली आयशा के बेडरूम पे नीचे है ना। हाँ। तो उस रात को कुछ सुना नहीं तूने? सोती रही? एक बहुत हल्का आवाज सुना मैं। ऊपर ना ऐसा फर्नीचर खिसकाता है तो कैसा आवाज आता है, वैसा बहुत हल्का आवाज आया। आवाज आया तो मेरा खुल गया। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज बंद हो गया। Then I went back to sleep. Yes. Okay, Mrs. Rami Fernandez. आरती मैडम को बोलना मुझे मिलना है जल्दी। मेरा हो गया? हाँ हो गया। सर वन रिक्वेस्ट, आई एम नॉट मिसेस, मिस। ओके मिस रेमी फर्नांडिस। ओके ये रिपोर्ट्स कितनी पुरानी है? जी लास्ट टाइम निकाली थी। इनको तो 4 महीने हो गए। सीबीआई वाला आया है, बोला मिलने का है। बैठाओ 2 मिनट में मिलती हूँ। क्लिनिक आना शुरू कर दिया है ताकि मन लगा रहे, पर बार बार वही ख्याल आता रहता है। घर की चाबी कितने लोगों के पास थी? घर वालों को छोड़ के? एक सेट रेमी के पास था और दूसरा है हमारी बिल्डिंग में रहते हैं डॉक्टर हंसल छाबरिया, इमरजेंसी के लिए एक चाबी उनके पास थी। ये हंसल और वृंदा के बारे में आपकी क्या राय है? हंसल मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं कई सालों से। एंड वृंदा? No comments, sir. I don't like her. हाँ अच्छा, आपकी बेटी आयशा और रियाज के बीच जो भी मतलब, आप लोगों को इसकी खबर थी? No. सर वो रियाज आयशा को लेके कुछ ज्यादा ही पजेसिव था और सर उसने आयशा को बहुत बार धमकी भी दी थी। मुझे नहीं सुनना तेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं आयशा। अगर तूने आज के बाद फिर से ब्रेकअप की बात करी ना मुझसे, जान से मार दूंगा तेरे को, समझी? एक नंबर का गुंडा है सर वो, कॉलेज ड्रॉप आउट है, अपने एरिया में भी बहुत से पंगे किए हैं उसने। आपको पता था मतलब रियाज इस टाइप का आदमी? सचिन ने एक दो बार कहा था कि रियाज और उसके दोस्त कुछ ठीक नहीं है। ये शाकल अगले शनिवार लोनावाला समझा ना। अबे गोवा जाते? नहीं भाई अरे मैं बोल रहा हूं गोवा जाते हैं। कितनी बार बोला गोवा? गोवा बोला ना अली बाग, मैं बोल रहा हूं गोवा जाते हैं, मजा आएगा यार। तुम ये कौन आया दिल में हुई हलचल? अब हुई हलचल? परवेश सर लेके चल इनको।
हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं। आप ऐसे कर नहीं सकते सब, और ये कानून हम भी जानते सब, और ये आप ऐसा हाथ नहीं लगा सकते हमारी लॉर्ड। सब सब छोड़ दो ना साहब, सब 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 हमने क्या किया साहब, सब छोड़ दो। एक्टिंग किया कभी? क्या? एक्टिंग किया कभी? नहीं। जब मार पड़ती है तो क्या निकलती है? जी, नहीं, नीचे से ऊपर से क्या निकलती है? चीख आती है सर। है ना? तो जोर से चीखने का, नहीं तो असल में पड़ेगी। साहब नहीं साहब, नहीं साहब नहीं साहब, नहीं साहब नहीं, साहब नहीं साहब नहीं, हाँ भाई सिखाओ कानून। सब सब और रियाज है ना साहब, वो आयशा को घर से भगाने का प्लान बनाया था सब हमारे साथ, सब कसम से सब, लेकिन आयशा ने हर बार मना कर दिया सब सब, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते माँ कसम साहब, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब। सर वो इस समय कहाँ पर, हमें कुछ नहीं पता सर, हम कुछ नहीं जानते सब, कुछ मालूम नहीं है सब कहाँ है, उसके बाद उसने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया साहब, सही में साहब सच में बोल रहा हूँ साहब। सर मान गए सर, क्या उल्लू बनाए उन लोगों को, म्हणजे वाटच लावली, और थैंक यू आपने। बहुत दिनों के बाद हाथ साफ करने का मौका मिला, मजा आ गया। डबल आया तू? हाँ सर। खोल खोल। तो क्या बोलता है, हो सकता है रियाज ने आयशा को मारा हो या मरवाया हो चेतन तिवारी के हाथों? सर मोटिव क्या हो सकता है? वही कमबख्त इश्क। क्या लाया तू? अंडा पाव? रोज यही खाता जाता कहाँ है बे। हो सकता है आयशा ने ब्रेकअप की बात की हो रियाज से उस रात को, रियाज को गुस्सा आ गया हो। सर ये सब तो अब चेतन तिवारी हमें बता सकता है, एक बार हमारे हाथ लग जाए बस। सुधाकर मिश्रा, चेतन के जिज्जू, नजर रखना उस पर।
जाना था साथ में बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर कानेरी गुफा। हाँ सर, कानेरी गुफा पहुंच चुका हूँ। अच्छा हाँ सर, सामने ही है। आगे है मेरे। हाँ दिख रहा है मुझे। ये सुन, तो छुप जा वहाँ पे, सामने मत आना, ठीक है? और पकड़ने की कोशिश मत कर। इतने दिन उस दाना किसको डाल रहा है वो देखना है मुझे। ओके सर। दो आदमी थे, भाग गए सर। लेकिन सर थे कौन? डब्बा खोल। चक्के देख सर। अरे चक्के देखना, हम लोग हॉस्पिटल में, कुछ नहीं होगा, चल। क्या है? गोश्त सर, गोश्त पड़ेगा, बीफ। चेतन तिवारी गोश्त खाएगा, बढ़ेगा। नॉट पॉसिबल सर। इतना हो गया, चलो अभी। एक सेकंड सर। अरे चलना था, ऑपरेशन करना का। अच्छा कुला। ये तो कसाई का झोरा, हैंडल पे कपड़ा बांधा हुआ, फिंगरप्रिंट सर नहीं मिले होंगे? नहीं सर, चाना है, कपड़ा है और अनइवन सरफेस भी, फिंगरप्रिंट्स लेना तो पॉसिबल नहीं है सर। फिर उस वक्त गुफा के अंदर कौन था? रियाज नूरानी। और वो दूसरा आदमी कौन था जिसने आप अटैक किया था? वो चेतन तिवारी होगा, रियाज से मिलना आया होगा उस वक्त। सारा जवाब सुधाकर मिश्रा देगा। राउंड अप ले इसको। सर वो फोन आया था। क्या? सुधाकर घर नहीं पहुंचा।
जल्दी ट्रेन से गिरा गया? वैसे लगता जल्दी ट्रेन से गिरा। बॉडी के आसपास कोई डब्बा मिला? मुंबई का है ना तू? वैसे टिफिन का डब्बा नहीं मिला? कोई डब्बा मिला क्या? नहीं रे, नहीं सर कोई डब्बा नहीं मिला। सुनील। हाँ। ये घाव क्या? सुनील कुछ भी हो सकता था तुम्हें? हाँ? अरे कुछ नहीं, खरोच है। हो गया नर्स आशा। I'm really sorry. Oh shit. Sorry. वो हंसल छाबड़े ने तुम्हें ऑफर दिया था ना? हाँ तो एक्सेप्ट कर लो उसको। छोड़ो ये सब। सुनील मन नको था। बी हे बघ, सी आणि हे डी। हां आपण आता ए एफ। सुनील खरं सांगू का, तुमच्यासारखा स्वार्थी पुरुष ना या जगात नसेल दुसरा। तुम्ही सिर्फ तुम्हारी ईगो की पड़ी है, बच्चों की नहीं। तुम्हारे लिए ईगो ट्रिप है ये सब कुछ। खुद की रेपुटेशन बस और कुछ नहीं। फैमिली के लिए खड्डत मत। हेलो हेलो रियाज, अरे तेरी अम्मी बहुत परेशान है, तुझे आने के लिए कह रही है वो। अरे अरे छोड़ना यार ये सब लपड़ा, तू छोड़ अभी। सुन, अरे तेरी अम्मी ने बोला इसलिए मैं तेरे से बात करने आया अभी। नहीं अरे सीबीआई वालों ने हमारी बहुत बजाई है, तू समझता क्यों नहीं यार। हेलो रियाज, हेलो हेलो इसकी माँ का। Thank you.
क्या हुआ था फ्लैट में उस दिन? मुंह खोल कर दूं तेरे को। की बात है, चेतन तिवारी और रियाज नूरानी मिले हैं। साहब, रियाज नूरानी की खबर मिला ली। सर, ये सुधाकर मिश्रा की खोली। खोल। ये उठा। सर, आपको याद हो तो डॉक्टर सचिन महाजन के घर में भी चांदी की कटोरी थी, है ना सर? चलो चम्मच तो यहीं से चुराया चेतन ने। अपनी सारी चीजें लेके फरार हो गया। टूथब्रश, कंघी, चांदी का चम्मच छोड़ गया सुधाकर के यहाँ। सर शायद सेफगार्ड के लिए छोड़ के गया होगा। सुराग इसी घर में है यार परवेश, दिमाग लगाओ यार। सर बैठ बैठ। सॉरी सॉरी।
ये वाले सर। सात नंबर जेंट्स। चेतन के होंगे सर। रिमी तो पहनेगी नहीं ना। सब सामान ले गया, जूते को छोड़ गया सर। चल चेतन का रूम सब वही है। वही सर। उन बाथरूम सर ये। तू एक काम कर, तू लड़की के रूम में जा और बाहर निकल। सर जल्दी। सर रिमी का क्वार्टर इसके नीचे है। हाँ सर इसके नीचे। ऊपर ना ऐसा फर्नीचर खिसकाता है तो कैसा आवाज आता है, वैसा बहुत हल्का आवाज आया। तू एक काम कर, ये फर्नीचर को सरका, मैं आ रहा हूँ। सर वाला चेतन तिवारी का टूथब्रश कंघी सब यही है। चाहती हूँ डॉक्टर सचिन महाजन का केस आप ही लड़ें। यूसी मैं अब रिटायर होने वाला हूँ और साल में एक या दो केस ही एक्सेप्ट करता हूँ। ये केस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मिस्टर अजवानी, आप अपने करियर में शायद ही कभी कोई केस हारे हैं। दिस केस रियली नीड योर एक्सपर्टीज, प्लीज रिकंसिडर। मिसेस बृंदा I'm really sorry. I really am. Please. This is a classic case of a frame-up, Your Honor. Dr. Sachin Mahajan और Aisha Mahajan की bodies पे एक दूसरे के नाखून के निशान मिले, उससे ये साबित होता है कि उन दोनों के बीच में किसी तरह की हाथापाई हुई थी। But Your Honor, उससे ये साबित नहीं होता कि Dr. Sachin Mahajan ने Aisha का murder किया है। Dr. Sachin Mahajan Aisha के father हैं। हो सकता है कि उन्होंने उसको डिसिप्लिन करने के लिए उस रात को उसकी पिटाई की हो और इसी हाथापाई में उन दोनों की बॉडीज पर एक दूसरे के नाखूनों की खरोचियां आई हों, और हो सकता है कि इस चीज का फायदा किसी तीसरे इंसान ने उठाया हो। डॉक्टर सचिन की ब्लड रिपोर्ट्स ये कंफर्म करती हैं योर ऑनर कि उस रात को वो पूरी तरह नशे में थे। Your Honor, मैंने तो बस इतना ही कहना है that this is a carefully planned double murder.
ये किसी पिए हुए आदमी के गुस्से में किया गया काम हो ही नहीं सकता योर ऑनर, इट इज इम्पॉसिबल। Dr. Sachin Mahajan is granted anticipatory bail. सालों से तुमसे ये बात कहना चाह रहा हूं, देखो मैं, जस्ट लिसन प्लीज आरती, मुझे आयशा की फिक्र होती थी, उसकी पढ़ाई, उसके दिमाग पर क्या गुजरेगी। एंड यू नो एक कस्टडी केस होता है तो लड़की की शादी में दिक्कत आ सकती है। आई थिंक हमारी शादी को खींचने में अब कोई मतलब नहीं आरती। तुम और वृंदा पहले से मुझे मैं she's taking you no, for she's a ride. That's not true. She's trying to. Just, she's trying can to. Can you just take her away, Ravi? Please. Listen to me, Sachin. Just listen to me. मेरी बात तो सुनो. मेरी बात तो सुनो. Listen to me. Don't take a scene here. मेरी बात सुनो. Listen, Sachin. Please listen to me. She's taking you for a ride. Sachin, just listen to me. She's taking you for a ride. God damn it! We spend so much time here. I have a surprise for you. Go in. Home. Kuch hafton ke liye ye hotel hamara ghar. Excuse me? मैं सचिन का दोस्त हूँ, महेश लिमय। मुंबई से यहाँ कुछ काम के लिए आ रहा था, सचिन ने मेरे हाथों आपके लिए मिठाई भेजी। मिठाई? पर सचिन ने फोन करके तो नहीं बताया। पता नहीं, हो सकता है कि भूल गया। ओके, थैंक यू आंटी। अरे रुको बेटा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, अंदर तो आओ। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ मैं। अरे थोड़ा चाय तो पी के जाओ बेटा। अरे नहीं। आओ बेटा आओ। ओके। तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। अरे नहीं नहीं अच्छा ये ले लेता हूँ, बढ़िया है। जो आप लोग कब चक्कर मार रहे हो मुंबई? देखते हैं। सचिन आरती रमी ये सब रोज आप लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या हुआ आंटी, अंकल को रमी से चिड़े? क्यों? बहुत कुछ जान लेना चाहते हो? सचमुच सचिन के दोस्त हो या और कोई? अब समझ गए तो ये भी बोल दीजिए कि आप क्या जानते हैं आयशा के मर्डर के बारे में। वैसे मेरा नाम पारस्कर है, सुनील पारस्कर, सीबीआई। हम कुछ नहीं जानते। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना क्यों मर रहा हूँ अंकल। सचिन आपका बेटा है,
आयशा आपकी पोती थी, मेरे तो कुछ नहीं लगते ना दोनों, फिर भी इस केस की वजह से मुझ पे हमला हुआ, मेरे असिस्टेंट को गोली लगी, कल को मैं मर भी सकता हूँ। ऊपर से बीवी रोज सर खाती है, रिश्वत ले लो अमीर बन जाओ, कल को मुझे कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी बच्चों को लेकर। खैर चाय के लिए शुक्रिया आंटी, ये मिठाई वाकई में अच्छी है, चख लेना। वहाँ क्या हुआ ये हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ तुम्हें इतना बता सकते हैं कि वो औरत रेमी किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक। परवेज सर, 18 अक्टूबर की रात को तो सुधाकर मिश्रा को फॉलो कर रहा था। कर रहा था सर। बोरेली स्टेशन में क्या क्या हुआ था? क्या हुआ सर? नींबू पानी मेरा बाप पी रहा था। सर वो रेमी फर्नांडिस। और रेमी फर्नांडिस को बुलाओ इंट्रोगेशन के लिए। ओके सर। 18 अक्टूबर की रात को क्या कर रही थी? 18 अक्टूबर आई डोंट नो सर। बोरेवली स्टेशन पे नींबू पानी कौन पी रहा था? बोरेवली स्टेशन मैं मदर के पास गया होगा सर। कहाँ रहती है मदर? वैसे तो बोरेवली स्टेशन पे क्या कर रही थी? नींबू पानी? नो वो स्ट्रेट ट्रेन नहीं है, बोरेवली में चेंज करना पड़ता वैसे कुछ जानने के लिए। रेमी फर्नांडिस सर, सर प्लीज। मिस्टर फर्नांडिस किधर है? नो मिस्टर फर्नांडिस, आई एम नॉट मैरिड। कोई अफेयर? तेरा कोई अफेयर था? नो सर, व्हाई यू जोकिंग सर। Am I joking? Am I bloody joking? I'm sorry, sir. I've not done anything. I'm sir, on God, I crossed my heart. I've not done anything, sir. Full medical checkup करवा इसका. Please, sir. Please, चलो सर, प्लीज चला मत लाना सर, डोंट डू दिस टू मी सर, आई सर लिसन टू मी सर, सर प्लीज। ये औरत सेक्सुअली एक्टिव है, कम से कम एक बार डिलीवरी भी दे चुकी है। आंटी आपकी बेटी रेमी है ना, वो पिछली बार कब आई थी आपसे मिलने? माका सांग रेमी तुका मेलो लास्ट केन्ना ये ले ले? इन्हें याद नहीं है, एक्चुअली इनको अल्जाइमर है इसलिए ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाती। रेमी चाको देखाएंगा योग देना। क्या कह रही है? ये कह रही है रेमी का हस्बैंड उसे यहाँ आने नहीं देता। रेमी का हस्बैंड? हाँ। आंटी हाँ। ये रेमी के हस्बैंड का नाम क्या है? ते तुका विचारता रेमी चा गोवा चे नाव किदे? रेमी चा गोवा चे नाव किदे? इन्हें याद नहीं है। एक और बार ट्राई करेंगे तो शायद। प्लीज सर अभी इन्हें रेस्ट करने दीजिए। हाँ। नहीं तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ओके
आपने कभी देखा है रमी के हस्बैंड को? नहीं। रेमी धाकती हल्ले तेना खूब सोपती हल्ले। ये कह रही है इनकी बेटी रेमी बचपन में बहुत सुंदर हुआ करती थी। हाँ सर बोलिए। सचिन महाजन का फोन नहीं लग रहा, प्रवेश कहाँ है वो? सर वो होटल मैरिडियन में है वृंदा के साथ में। अपनी टीम लेके जल्दी पहुंच वहां पे। हुआ क्या सर ये तो बताइए। उसकी जान खतरे में हो सकती है, जल्दी कर। ओके सर। सर सुसाइड लग रही है मुझे तो। लगता है गिल्ट के मारे जान ले ली इसने अपनी। इसका डुप्लीकेट स्वाइप कार्ड किसी ने मांगा था? नहीं सर, नो चांस। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। परवेज सर सबको इकट्ठा करो उसी फ्लैट में कल सुबह। ठीक है सर, करता हूँ। अट्ठाईस अगस्त की रात को 12 बजे डॉक्टर सचिन महाजन नशे में धुत अपने घर पहुंचा। अगली बार चलते कहीं मुंबई के बाहर चलते हैं। लोनावला चलेंगे। आशा तू रुक, मैं बात करता हूँ। सर देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम दोनों यहाँ पर सिर्फ इसलिए उसके बाद क्या हुआ ये डॉक्टर सचिन को वाकई में कुछ याद नहीं था। ब्लड है? ब्लड नहीं, स्वेलिंग है। अरे कुछ कुछ हुआ है? बेहोश हुआ है। सॉरी। उस वक्त रेमी और चेतन अपने अपने सर्विंग क्वार्टर के दरवाजे बंद करके सो रहे थे। आराम से प्लीज, आराम से। चुप ना। आई जस्ट होप कल सुबह पापा कुछ याद ना हो। वैसे भी जब वो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनको नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ याद नहीं रहता। आई जस्ट होप कुछ याद ना हो। अच्छा नाइफ चलो। अरे उठा ना।
पास। मैं जाता हूँ। उसके बाद जो हुआ वो शायद हंसल बता सके। सचिन से बदला लेने के लिए मैंने ही उसे फोन किया था, रियाज के बारे में बताने के लिए। But I didn't kill that cute little girl. और क्यों करूंगा मैं? But I know who killed her. Who? Your beautiful wife, ex-wife, Brinda. Brinda doesn't have the guts to do this sort of thing. Do you, Brinda? तो फिर आपके हिसाब से किसने किया है? This woman. गलत। एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है ना? एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? करेक्ट है? तुम्हारे सचिन के बचपन से रिलेशन थे ना? सर प्लीज। फिजिकल वाला? सर प्लीज। और ये रिलेशन जवानी तक चलता रहा है ना? No, sir. Sir, please. No, 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 ma'am. Ma'am, please don't. No. No. Please. तुम जानती थी कि तुम कभी मिसेस सचिन महाजन बन नहीं सकती, इसलिए मिसेस रमी महाजन बनना स्वीकार कर लिया। वैसे मुझे ये रखेल टाइप के शब्द पसंद नहीं, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। आई रिस्पेक्ट वुमेन। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रमी, मैं कह रहा हूँ कि तुम बहुत प्यार करते थे सचिन से, बहुत प्यार करती थी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, इसलिए तुम्हें पाल के रखा था ना उसने। और फिर तुमने क्या किया? एक दिन न्यूज दे दिया, गुड वाला न्यूज। सचिन ने एक बार बोल देता ना कि बच्चा गिरा दो, तो ये यूं गिरा देती। पर सचिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि 3 साल की शादी के बाद उसकी बीवी आरती बच्चा नहीं पैदा कर सकती। शी इज इनफर्टाइल। आई एम सॉरी। नहीं 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 नहीं, 3-4 गायनेक से मैंने कंफर्म कर लिया इस बात को। अहमदाबाद में महाजन परिवार के फैमिली डॉक्टर हैं। यस। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने। जाती थी ना तू वहां ट्रीटमेंट के लिए? क्या लेना देना है इन सब का? इन सब चीजों से क्या लेना? ओके ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी। ओके, सचिन ने किसी बहाने ये रमी फर्नांडिस को गोवा भेजा अपनी माँ के पास, और रमी ने गोवा में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, आयशा। फिर सचिन ने आरती से झूठ कहा कि वो अनाथ आश्रम से एक 15 दिन की एक बच्ची को गोद लेने वाला है। आरती मान गई। ये बर्थ रजिस्ट्री ऑफिस से बर्थ सर्टिफिकेट, नकली है। फिर सचिन ने जब यहां पे क्लिनिक खोला तो नर्स के बहाने उसने रेमी को यहां बुला लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती मैडम को यह सब पता कैसे नहीं चला। शक तो हुआ होगा जब बच्ची नेचुरली अपनी मां के पास जाती होगी। लेकिन सचिन महाजन बड़े शातिर थे इन सब मामलों में, पता नहीं चलने दिया। फिर 18 साल के बाद आरती ने एक दिन सचिन और रेमी को साथ देख लिया। करेक्ट है ना आरती मैडम? क्या कर रहे हैं आप? हम कम परेशान है? इस तरह सबके सामने हमें बेइज्जत क्यों कर रहे हैं आप? पुणे में थी ना आप? हाँ? नहीं, मर्डर के समय पुणे में थी ना आप?
वही तो मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ। आप जिस ऑपरेशन के लिए गई थी, एम्प्यूटेशन, वो ऑपरेशन तो हो चुका था। इमरजेंसी थी तो एक जूनियर डॉक्टर ने वो ऑपरेशन कर लिया था, है ना? ये देखिए, भगवती हॉस्पिटल पुणे, डॉक्टर का नाम, टाइम, है ना? और ये मुंबई पुणे टैक्सी सर्विस, ये 11:45 PM आप पहुंच गई थी अपने घर 12:15 बजे, है ना? क्या मतलब है इसका? क्या क्या लेना देना है इसका? कोई लेना देना नहीं है ना? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेना देना नहीं है तो फिर गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? हैं? आरती अपने घर पहुंची है, किसी को पता नहीं था। और रात के 12 बजे सचिन महाजन नशे में धुत अपने घर पहुंचा। और फिर सब संभाल ढंग से, आगे आगे चल, ले अरे आराम, फिर आरती को लगा कि सचिन और उसके फैमिली से बदला लेने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम क्यों सुन रहे हैं इस आदमी की बकवास? क्यों सुन रहे हैं इसकी बकवास? और फिर आरती ने सचिन, फिर मैं, you know what? Just get out of my house. Just get out of here. वो चेतन तिवारी के डेथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? क्या मालवड़े साहब आप? इस पागल आदमी की बातों में आयशा को मारने के बाद आरती जब उस कमरे से निकली, उस वक्त चेतन तिवारी अपने क्वार्टर से बाहर निकला टॉयलेट जाने के लिए, तब उसने आरती को वहां से आयशा के बेडरूम से बाहर निकलते हुए देखा। कुछ भी, जस्ट एनीथिंग,
उसके बाद आपने चेतन के साथ एक डील की थी। की थी कि नहीं? क्या पारस्कर साहब, हाँ सीबीआई के इतने बड़े ऑफिसर है आप, लेकिन आपकी थ्योरी टोटल रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे ऐसी कमजोर औरत ऐसा काम कर ही नहीं सकती, शपथ संगते है। डॉक्टर आरती महाजन ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पेशेंट्स के हाथ टांग काटती है ना आप, एम्प्यूटेट करती है, क्लीन प्रिसाइज। अपने इन मजबूत स्किल हाथों से तो यू ए दोबारा मत करना ये। इन्हें मजबूत ट्रेंड हाथों से इस औरत ने चेतन की बॉडी को फ्लोर के नीचे दबा दिया। और फिर रात के 1:30 बजे जब वॉचमैन छोटे लाल को नींद आ गई, वो निकल गई। आरती जानती थी कि चेतन की बॉडी कभी ना कभी डिस्कवर हो जाएगी, और चाहती भी थी ताकि सचिन के खिलाफ केस और भी स्ट्रांग हो जाए। सुबह को रेमी ने आयशा की बॉडी देखी, सचिन को जगाया, दोनों खूब रोए। सचिन को बचाने के चक्कर में रवि ने खून से लदी शर्ट को डिस्पोज करने की कोशिश की, और फिर फाइनल बदला लेने का टाइम आ गया। उस होटल स्वीट के लॉक को न डैमेज किया गया न तोड़ा गया, इसका मतलब है किलर के अंदर घुसने का एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। कि सचिन ने खुद किलर को अंदर इन्वाइट किया होगा। आप गई थी ना सचिन से मिलने होटल में डिवोर्स पेपर्स लेकर, तो फिर हमारे रियाज को किसने मारा? और साहब वो बेचारा गरीब सुधाकर मिश्रा को कौन मारा साहब? इसने, आरती मैडम ने शुरू से ही मालवाड़े को खरीद लिया था। आयशा की मौत की खबर मिलते ही रियाज ने तेरे को कांटेक्ट किया था ना? आयशा को आयशा के बाप ने मारा, मेरे को उसको मारने का। पर तब तक मालवाड़े साहिब बिक चुके थे। मैडम एक लड़का है रियाज नाम का, कह रहा है कि सचिन ने आयशा को मारा है, और बोल रहा है कि वो सचिन को अपने हाथों से मारना चाहता है। क्या करने का इसका? अभी उसे कंट्रोल करो,
कह दो कि ये सही मौका नहीं है। अगर सचिन कन्विक नहीं हुआ तब हम उसका यूज करेंगे। अगर कानून सचिन को सजा नहीं दे सकता तो वो रियाज के हाथों सचिन को मरवा देती। अरे अड़िया, मर्डर स्पॉट पर मर्डर के समय तो उधर था, ऊपर से इतना बड़ा घाव लगा है। अरे डिफेंस लॉयर ऐसी बुच मारेगा ना, सीधा मर्डर केस में अंदर। अरे कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा, डॉक्टर सचिन अगर कन्विक्ट हो गया तो बाहर आके गवाही दे देना, और अगर बेल पे छूटता है तो ठोक देना। फिर सुधाकर मिश्रा को मालोड़े ने काम पे लगा दिया, रियाज तक खाना पहुंचाने। इस केस से बचने का है ना जी, तो जैसा मैं बोलता है वैसा करने का। एक दिन मालवाड़े रियाज से मिलने गए कानेरी केव्स, पर वहां उसने देख लिया कि परवेज और मैं सुधाकर मिश्रा को फॉलो करते करते पहुंच गए थे। फिर उन्होंने हमला किया मुझ पर, क्योंकि हमने सुधाकर मिश्रा को देख लिया था तो तूने सुधाकर मिश्रा को भी हा? और टिफिन बॉक्स पर रियाज के फिंगरप्रिंट्स हैं, गायब कर दिए छाड़े। फिर भी मैं समझ गया रे, उस गुफा में रियाज ही छुपा हुआ था। गोश्त बढ़ेगा बीफ, रियाज सीबीआई के सामने अपनी जबान खोल देता। बोल क्या हुआ था फ्लैट में? तेरा तो खेल खत्म था है ना मालवाड़े, इसलिए मालवाड़े ने रियाज को अबे हरामजादा, तूने मेरे रियाज को मारा, सारे तेरे वर्दी के साथ तुझे जिंदा दफना दूंगा, तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा, तू देख तू बचेगा नहीं। अबे छोड़ मुझे, छोड़। अरे जा रे, मेरे को गाड़ेगा। अरे कोई एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास पारस्कर साहेब? अरे कोई एविडेंस नहीं तुम्हारे पास? हाँ बोलो ना। सीबीआई की मार खाएगा ना तू ही एविडेंस बनेगा। जाता क्यों जलेला? ए क्यों जलेला? ओ सर चला रे चला, उछला चला चले चला वर्दी में, ए वर्दी में हाथ लगाने का, धरती गन्ना चला चला चल चल चला छोड़ना ना तुम लोगों ने मी। रेमी के मां के पास से मुझे रेमी की एक पुरानी फोटो मिली जब रेमी 18 साल की थी, और 18 साल की रेमी में मुझे 18 साल की ऐशा दिख गई। बस इस रहस्य के छोटे छोटे टुकड़े मेरे दिमाग में खुलने लगे।